जींस देख अभी घूम के आया और पूरा ये चिप लग रहा है सिक्स क्योंकि जैसे वो आएगा। तो गाइस वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब भाई हो, सब ठीक होंगे? तो फाइनली फुल एनर्जी के साथ एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि विजयनगर में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। आपको एक तो मंगल सिटी मिल जाएगा, C21 मॉल मिल जाएगा, अपना स्वीट्स मिल जाएगा, उसके अलावा फिर आपको अपोलो मिल जाएगा, मतलब 3-4 मॉल वगैरह है, तो आप वो भी घूम सकते हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस फाइनली अभी मैं निकल चुका हूँ MR10 से, तो चलते फटाफट विजयनगर और विजयनगर पहुँच के मिलते हैं फिर आपसे। बने रहना पूरी वीडियो में। गाइस अगर आप सबसे पहले विजयनगर आते हैं तो विजयनगर में आप मंगल सिटी भी आ सकते हैं। मंगल सिटी में भी आपको बहुत सारी घूमने की जगह मिल जाएगी। तो यहाँ एक विशाल मार्ट करके है, तो चलते हैं फिर और दिखाते हैं फिर आपको अंदर जाके। और विजयनगर में आपको बहुत सारी जगह दिख जाएगी घूमने लायक, तो वो भी सारी कवर करेंगे यहाँ पे। मतलब C21 मॉल भी है, मल्हार मॉल भी है, और भी मॉल वगैरह भी है एक दो, तो सारा कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं विशाल मेगाहार्ट, चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आपको। जो भी अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी आपको और भी जगह बताऊँगा। तो अभी चलते फिलहाल यहाँ पे। भाई जीन्स देखो, 400-400 रुपये, टी शर्ट 300-400, मतलब यहाँ आपको सब एक एवरेज प्राइस में मिल जाएगा। मेरे को बॉयस का तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलते हैं ऊपर और ऊपर फिर देखते हैं जो भी मिलता है अपने बॉयस का। तो अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ नीचे, ऊपर जा रहे हैं ऊपर ऊपर। चलते हैं ऊपर और देखते हैं फिर क्या है अपने लायक। मैं तो सॉक्स वगैरह सारा यही पड़ा। विशाल मेगा मार्ट में सब कुछ मिल जाएगा, कपड़े से लगा के घर के लिए सामान वगैरह A to Z। यहाँ सारा बेबीज़ का आइटम दिख रहा है। चलो अपने लिए कुछ देखते हैं, अगर मिल जाए तो। भाई यहाँ जीन्स ही जीन्स दिख रही है मेरे को ना। ये देख लो ऑफर वगैरह, खरीदिए दो पाइए दो, 300 रुपये में जीन्स मिल रही है भाई, बहुत सही है। और क्या ये देखिए, क्या इससे सस्ता और क्या चाहिए, इससे सस्ता और क्या ही मिलेगा यहाँ पे। टी शर्ट्स चेक करो, 300-300 रुपये में, सही है। और क्या 800 रुपये के, 600 रुपये में, 700 रुपये का, सॉरी वो तो काई काई पे सेल चल रही है जीन्स वगैरह पे, वहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक है। बाकी तो जो है वो तो जो अपने मेन रेट पे मार्केट में मिलता है वही है। 500 रुपये का ट्राउज़र्स देखो भाई, क्या सेक्सी लग रहा है, मस्त चला जा। ये वाला कलर बहुत प्यारा है। 99 टी शर्ट्स, पर मेरे को नहीं लगता इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये 119 रुपये की है भाई। इनकी क्वालिटी ऐसा रहता है कि यार, मतलब क्या बोले, हम कलर निकलने लग जाता है। आप इधर चेक करो, 70 रुपये में, 150 रुपये में, 250 रुपये में, 300-350। भाई ये टी शर्ट, ये कलर बहुत प्यारा लगता है, तीन का कॉम्बो। बट इसमें दिक्कत ये है, इसका जो फैब्रिक है ना बहुत हल्का है भाई, एक दो बार धोएंगे तो और ये जो बचा कुचा कलर है ये भी निकल जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अपने को गारंटी तो देंगे नहीं। सही है। और क्या वाली टी शर्ट्स भाई, बट ये रेती बहुत पतली है यार, कुछ भी बोला। 150 रुपये में ठीक है, बट हाँ प्राइस के हिसाब से ठीक है, बाकी पतली बहुत है ये। इधर तो बच्चे का ही दिख रहा मेरे को, यहाँ पर ये देख लो, 300 रुपये में। कुछ अच्छा दिख जाए तो मैं भी ले लूँगा, मेरे को तो खाली जीन्स अच्छी लग रही है, बढ़िया इनकी प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जा रही है। सात सौ रुपये की एक जीन्स, बाय वन गेट वन फ्री है, बट 700 रुपये की, इससे अच्छा दो ही लेंगे ना अपन अच्छी वाली। 900,
1000 भाई ऊपर तो पूरा किराना का सामान है, तो ऊपर तो जा नहीं रहे अपन, यहाँ सारा देख लिया और आपको भी दिखा दिया। अब मेरा प्लान है जाने का, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से विशाल मेगा हट से, तो चलते हैं बाहर नीचे देख लेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर निकल जाएंगे फटाफट, क्यों अपने को दूसरी जगह भी जाना है भाई। फाइनली अभी मैं विशाल मेगा हट से तो निकल चुका हूँ, ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, 1-1.5 घंटे में पूरा घूम गया था। बाकी यहाँ सेल वगैरह बहुत सारी चल रही है और अच्छी अच्छी भी चल रही है। बाकी मेरे को क्या थोड़ा जो लेना था उसका अमाउंट ज़्यादा लगा तो फिर मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद अब मेरा प्लान है जाने का, चलते हैं फटाफट, या तो C21 मॉल चलते हैं या फिर अपोलो चलते हैं, दोनों में से जहाँ भी होगा चलते हैं और दिखाते फिर आपको। तो भाई फाइनली अभी तो मैं मंगल सिटी से तो निकल गया हूँ, तो अब चलते हैं, अगर अपोलो बीच में आ जाएगा तो अपोलो चलते हैं, और यहाँ पे आपको अपना स्वीट्स भी मिल जाएगा, तो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो अपना स्वीट्स पे भी जाइए, वहाँ भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा, तो अपना स्वीट्स पे भी चलते हैं, अभी दिखा देंगे अगर कुछ मन होगा। वैसे तो मैं रूम से निकला था तो खाना वगैरह खा के आया था, अगर कुछ मन होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर आगे भी अपने को बहुत सारे 2-3 जगह है, तो चलते फिर वहाँ चलते अपन, मिलते फिर। तो बोलो तो ये रहा, बहुत तगड़ा लगता है, अभी तक एक बार गया हूँ इसके अंदर में, चलते अब आगे। ऐसा फॉरेनर आ जाइए, चेक करो अब रियल में फॉरेनर है या क्या है क्या पता। अभी मैं वो प्रॉपर विजयनगर में, और अपने को यहीं विजयनगर के जो मेन चौराहा है स्क्वायर है विजयनगर वाला, यहीं अपने को अपना स्वीट्स भी मिल जाएगा, और अपने स्वीट्स के जस्ट सामने ये कालका माता मंदिर भी है, तो अगर आपको कालका माता मंदिर की वीडियो देखनी है तो अपने चैनल पे मिल जाएगी। और अपना स्वीट्स पे चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, और फिर वहाँ से मेरा मन है या तो ऑर्बिट मॉल चलेंगे पहले, और ऑर्बिट मॉल रुके नहीं रुके, और उसके बाद में फिर जाना अपने को C21, तो चलते हैं C21 मॉल और फिर मिलते हैं। ये चेक करो अपना स्वीट्स पे, मैं तो इसके अंदर भी घूम के आया हूँ, पहले गया था कुछ खाने का तो मन था, बट मैं रूम से निकला था ना तब नाश्ता करके आया था, तो खमंड वगैरह खा के आया था, तो अभी तो भूख नहीं है, चलते हैं अब या तो ऑर्बिट चलते हैं या डायरेक्ट C21 मॉल पहुँचने के बाद ही मिलते हैं फिर आपसे। तो भाई फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ ऑर्बिट मॉल, और आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ से सिर्फ एक फ्लोर से ही आपको क्या घूमने का मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सर्विस सेंटर वगैरह सारे मिल जाएंगे, जैसे सैमसंग का सर्विस सेंटर है, वो शोमी का सर्विस सेंटर है, MI का। बाकी तो आज का पता संडे, तो ये पूरा बंद ही दिख रहा है मेरे को। ये देखो भाई पूरा बंद है ये, पूरा है ऑर्बिट मॉल बस, बाकी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, चलते हैं अब। तो अभी मैं जा रहा हूँ C21 मॉल, तो फिर चलते हैं वहाँ पर। C21 मॉल तो अपन पूरा ही घूमेंगे, वो तो सीधी सी बात है। ऑर्बिट के जस्ट पास में ही है मल्हार मॉल और C21 मॉल, दोनों ही पास पास में ही है, तो चलते फटाफट। इस साइड वाले में तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, उस साइड वाले में तो रेनोवेशन कंप्लीट हो गया, फाइनली C21 मॉल ही रहा। और भाई आज संडे है तो क्या खतरनाक भीड़ दिख रही है, चलते हैं फटाफट अंदर और पूरा घूमेंगे और फिर आपको भी घुमाएंगे। अब यहाँ संडे को भीड़ चेक तो कर ही सकते हो क्या खतरनाक भीड़ होती है। फाइनली चेक करके आ चुके हैं अंदर, और भाई आज भीड़ लग रही है खतरनाक। आपका फर्स्ट फ्लोर पे बहुत कुछ मिल जाएगा घूमने के लिए, अभी अपन चलते हैं फटाफट ऊपर, तो चलते हैं फटाफट ऊपर ही। भाई आज कुछ मतलब हद से ज़्यादा भीड़ लग रही है मेरे को पूरे मॉल में, पता नहीं मूवी के चक्कर में है या फिर आज संडे भी है, तो दोनों बातें यार भाई। बाकी हाँ ये देख लो भाई टी शर्ट्स वगैरह भी, आपको प्राइस वगैरह थी यार भाई एडिडास। ऊपर से आने का मेरे को लग रहा अपन फालतू इतना घूम के आए हैं, अगर एक एक फ्लोर इतना घूमेंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ 50% सेल चल रहा है भाई, ये गाई का चलते हैं उस साइड वापस, और फिर अपने को जाना है ऊपर। अपने को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, पर हाँ थोड़ी सी देर में मैं पूरा ये जो फर्स्ट फ्लोर था ये पूरा घूम चुका हूँ,
अब चलते हैं अपन ऊपर। C21 मॉल में मतलब एक अलग ही लेवल का डेकोरेशन वगैरह हो रहा है। अभी 15 अगस्त के लिए उस टाइम पे डेकोरेशन हुआ था। अभी क्या आज 20 तारीख है और का अभी तक चल रहा है। चलेंगे अपन, ठीक है। तो अपन अगर एक पूरा राउंड भी लगा लेंगे ना तो भी अपने को ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा और पूरा घूम जा रहा है भाई। कुछ भी बोलो यार, यहाँ लाइटिंग तो कम है। क्यों, अगर मैंने मतलब TI भी कहा था ना तो वहाँ पे भी जो मतलब लाइट आती ना फेस पे वीडियो बनाते भाई बहुत ही सही साट आती है। बाकी तो क्या है यार, अपन पूरा घूम ही रहे हैं और कहाँ। बाकी तो आपको ठीक है, घूमने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स लाइफ स्टाइल में घुसेगा। चलो चलते हैं, लाइफ स्टाइल में घुसे तो सही। क्या पिक्चर होती है, चलो यहीं से घुस जाता था। ₹40% off भाई, क्या खतरूर लग रहा है। शर्ट मस्त, इसकी प्राइस क्या देखते हैं ना मैं भाई। ये जो शर्ट है ना मात्र 3500 के शर्ट है वहाँ जो पड़े हैं भाई। ज़्यादा महंगा नहीं है वैसा, 3-4 हज़ार रुपये की एक शर्ट तो है, कहाँ महंगा दे रहे बेचारे हो। ये टी शर्ट्स वगैरह की प्राइस देखते ना भाई, मात्र 2000 की टी शर्ट है, मात्र 2000 की भाई। ये चेक करो तुम्हारे भाई को लग रहा है 6। अभी मैं आ चुका हूँ मेघदूत गार्डन। तो जस्ट आप ये देख सकते हो, अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 15 अगस्त के दिन ही आया था, उस दिन गया था अंदर। तो मैं वो वीडियोज़ ऐड कर दूंगा यहाँ पे। बाकी आप ये यहाँ से बाहर से देख सकते हो, तो अंदर की वीडियोज़ तो मैं ऐड कर दूंगा। और यहाँ का जो टिकट चार्ज है वो 5 रुपये ही है। और ये यहाँ का जो मेघदूत गार्डन का जो स्ट्रीट फूड है ना, मतलब इंदौर में बहुत ही फेमस है। आपको यहाँ सिर्फ जैसे वो वहाँ एंट्रेंस है वहाँ से, तो आपको यहाँ तक दिख जाएगा। और मतलब ये इंदौर में सराफा के बाद 2nd नंबर पे आता है। और बाकी तो मैं जो अंदर वाली क्लिप्स है वो ऐड कर ही दूंगा इसमें। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ इंदौर की, तो सब्सक्राइब कर देना भाई। चलते हैं फाइनली। चढ़ा भाई, पानी आ गया फिर भी। डेडिकेशन देख रहे हो, वीडियो के चक्कर में सिटी बस में से उतरा हूँ मैं। मैंने सोचा वो वीडियो पूरी कंप्लीट कर देते हैं।